ट्राइसिटी में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 पार तक भी जा रहा है। इसके बावजूद हमारी स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर लचर हैं, इसकी ताजा तस्वीर देखने को मिली मोहाली के सेक्टर 6 सरकारी अस्पताल से। ये सारी तस्वीरें एक महिला द्वारा भेजी गई हैं, जो यहाँ अपना कोरोना का टेस्ट करवाने आई थी। महिला जब यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाने आई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। टेस्ट करवाने आए सभी लोग ऐसे खड़े थे मानो भेड़ बकरियां हों। एक के ऊपर एक चढ़कर खड़े हुए लोग थे। उन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से ना तो किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा जा रहा था, न ही किसी प्रकार से गाइडेंस लोगों को दी जा रही थी। टेस्ट करवाने के लिए इतना समय लग रहा था कि कई लोग टेस्ट करवाने से पहले ही चक्कर खाकर गिर पड़े। लोगों का आरोप है कि जो स्टाफ यहां पर टेस्ट करा रहा है वो भी पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। हम यहां पे सेक्टर 6 फेज मैक्स के पीछे जो हॉस्पिटल है वहां पे कोविड टेस्ट करवाने आए थे। 1 बजे आए थे हम। हमें अभी 4:30 हो रहे हैं, जिसमें से कोई कोविड टेस्ट अभी तक हो नहीं रहा है। जितने भी लोग कोविड टेस्ट करवा के निकले हैं सब रोते हुए निकले हैं, क्योंकि इतनी गंदी तरह से मैनेजमेंट इतना बिगड़ा हुआ है। मैंने मैसेज और वीडियो सेंड कर दिए हैं, आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। पूरे इंडिया में बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करो। वॉट इज़ दिस? हॉस्पिटल में जहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा है वहाँ पता ही नहीं है कि किसको कोविड है और किसको नहीं है। हमें क्या पता चलेगा कि हमारे आगे वाले को कोविड है या नहीं है? वो टेस्ट कराने आया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। कीड़ियों की तरह आगे चलो लाइन लगाई हुई है। एक तो औरत भी गिर गई थी बेचारी, बूढ़ी थी, कैंसर पेशेंट था, उसको भी बहुत प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी। और आप देखो जरूर इसे। हम अभी देखो तुसी सरकार का मतलब मैनेजमेंट कितना सोना हैगा। एंता तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, खुद बोल के खुद ही, जिनका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही नहीं है। हम तो सोच रहे थे प्राइवेट में क्या जाएंगे, गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में थोड़ा अच्छा होगा। अब आप देख रहे होंगे मैंने 2 मास्क लगाए हैं, एक अंदर लगाया है, एक ऊपर लगाया है। हम इतने प्रिकॉशंस के साथ गए हैं, लेकिन आप उधर देखोगे कुछ नहीं है। फिर और हम और कितना करेंगे? फिर तुम बोलोगे कि हाँ कोरोना हो गया। अभी जिसको नहीं भी होगा ना यहाँ पर उसको कोरोना हो जाएगा। आइए अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर हैं। यहाँ टेस्ट करवाने एक महिला पहुंची थी जो कि कैंसर पेशेंट है। टेस्ट होने में इतनी देर हो गई कि वह जमीन पर ही बैठ गई। तुसी की कराने आए थे? मैं कोविड टेस्ट कराने आई। मैं तुसी बैठे क्यों थे? मैं तो खड़ा नहीं होया जाता, कैंसर पेशेंट है, मैं खड़ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, इतनी लंबी लाइन लगी हुई, चक्कर आया करते। मोहाली के फेज 6 सरकारी अस्पताल की यह रियलिटी देखकर कई लोग यहां से अपना टेस्ट करवाए बिना ही वापस अपने घर चले गए। उनका कहना था कि अगर उन्हें कोरोना नहीं भी है तो यहां पर आकर उन्हें कोरोना हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ कितनी अच्छी हैं, इसका ताज़ा उदाहरण आप देख ही चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहाली से भगत सिंह की रिपोर्ट।